ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी फरवरी मार्च 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, बाकी ग्रहों की गोचर की भी वीडियोज आती हैं, लेकिन जो त्रिमासिक राशिफल होता है ये बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ सकता है, क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं, किन चीज़ों का आपको लाभ उठाना है, किन चीज़ों से बच के रहना है। क्योंकि ज्योतिष का औचित्य यही होता है कि एक तरह से व्यक्ति को गाइडेंस दिया जाए। तो जो व्यक्ति ज्योतिष का लाभ उठाना चाहता है उनके लिए ये त्रिमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए जो 3 महीने हैं जनवरी से लेकर मार्च 2024 के, इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। मंगल उच्च के होंगे, मंगल का उच्च प्रभाव देखने को मिलेगा, बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, शनि और सूर्य की युति होगी, मंगल और शनि की युति होगी, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, राहु और सूर्य की युति होगी जिसको हम कहीं ना कहीं ग्रहण दोष कहते हैं। तो बहुत सारे बदलाव 3 महीने में आने वाले हैं और इन बदलावों का क्या प्रभाव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होगा मेरे त्रिमासिक राशिफल का। कुछ बहुत विशेष उपाय भी आपको बताऊंगा जिसके करने से 3 महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण त्रिमासिक राशिफल। शुरुआत करेंगे जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना कहीं ना कहीं बहुत विशेष है सभी के लिए, क्योंकि जनवरी से देव गुरु बृहस्पति का मार्गी प्रभाव देखने को मिलेगा। ना केवल देव गुरु बृहस्पति, बुध और गुरु दोनों ही कहीं ना कहीं जनवरी की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे या मार्गी प्रभाव देना शुरू कर देंगे। बुध वक्री 13 दिसंबर को हो गए और दिसंबर के अंत में पतित भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही नव वर्ष आएगा कहीं ना कहीं दोनों ही ग्रहों का मार्गी प्रभाव यानी कि सीधा प्रभाव मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी शुभता होती है, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं। जब दोनों ही वक्री चल रहे थे, एक पतित हो गया था, तो दिसंबर का अंत कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लेकर आएगा, लेकिन जैसे ही जनवरी की शुरुआत होगी आपके जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी और एक क्लियरेंस आएगी, एक क्लैरिटी आएगी, एक जो आपके विचारों में सकारात्मकता अचानक से गायब हो गई थी दिसंबर में, वो पुनः जो सकारात्मकता है आपके जीवन में वापस आएगी। इसके साथ ही देखिए देव गुरु बृहस्पति क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और इसके साथ ही वो 11वें घर के स्वामी भी हैं, लाभ स्थान के स्वामी 12वें घर में, यानी कि विदेश से आपको लाभ हो सकता है। और ये जो लाभ स्थान के स्वामी है 8वें घर के स्वामी भी हैं और 12वें घर में बैठे हैं, यानी कि हिडन सोर्स ऑफ इनकम। तो जिनका कुछ ऐसा काम है जिसमें हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं, तो उनके काम में वृद्धि हो सकती है। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कैश में डीलिंग बहुत होती है, इनकम टैक्स के रिडार से आप अपने आप पैसे को बचाना चाहते हैं, तो उनके काम में यहाँ पे बहुत वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ये हिडन सोर्सेस का हाउस होता है और यहाँ से भी कहीं ना कहीं हिडन इनकम आपकी दिखती है, ये बहुत अच्छा है। और जो लोग विदेश में अपने काम को बढ़ाना चाहते थे, वो बिजनेस हो या जॉब, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा लाभ स्थान के स्वामी आपके विदेश के स्थान में बैठे हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। तो गुरु आपको महीने के शुरुआती भाग से ही या कहीं साल के शुरुआती भाग से ही सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देंगे। शुक्र जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो 18 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी का केंद्र भाव में होना राजयोग बनाता है, और ये जो सप्तम भाव है ये शादी का होता है, तो विवाह के बहुत सुंदर योग, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, साल का शुरुआती भाग ही कहीं ना कहीं आपके विवाह के बहुत अच्छे योग बना रहा है। और 7 जनवरी तक बुध भी यहाँ पर रहेंगे, और बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, तो वह लोग जो रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते थे, या फिर रिलेशनशिप में थे घर वालों से बात नहीं करी थी अब तक और अब वो डिस्कस करना चाहते थे, तो जनवरी का शुरुआती भाग जो है वो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। और क्योंकि ये स्थान बिजनेस का भी है, लग्न के स्वामी शुक्र बिजनेस के स्थान में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, अपने आप में धन के सेकेंडरी कारक हैं बृहस्पति के साथ, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ हो सकता है। और बुध तो धन स्थान के स्वामी भी हैं,
ये दो चीज़ और बताता है कि आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है और बिजनेस में भी आपको तेज़ गति से लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर शनि की दसवीं दृष्टि भी रहेगी और शनि आपके योग कारक हैं, तो लग्न के स्वामी बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेशली, बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनके बिजनेस में बहुत वृद्धि, बहुत तेज़ गति से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि योग कारक ग्रह और लग्न के स्वामी का यहाँ पर प्रभाव है। और ये क्योंकि दसवां भाव करियर का होता है और सातवां भाव रिकग्निशन का होता है, जिनकी प्रमोशन बहुत लंबे अरसे से अटकी हुई थी, जनवरी का वो महीना है जब अचानक से आपको ग्रोथ, आपको वृद्धि अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है। तो बहुत शुभता दिख रही है वृषभ के लिए जनवरी 2024 से। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध का, और बुध आपके लिए 7 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बुरा भी होगा। अच्छा क्या है, देखिए बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनको अष्टम भाव में अच्छा माना जाता है। अधिकतम ग्रहों को यहाँ पे क्षीण कह दिया जाता है, जो कि मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ अनिश्चितता अष्टम भाव में अवश्य आती है। अच्छा भी होगा तो बहुत अचानक से, बुरा भी होगा तो बहुत अचानक से। तो बुध का अष्टम में आना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है धन प्राप्ति के लिए, और बुध आपके धनस्थान के स्वामी भी हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। यहाँ पर बुध और मंगल की जोड़ी होगी, मंगल आपके सप्तम के स्वामी है और मंगल 12वें घर के स्वामी है। पुनः बता रहा है विदेश से लाभ होगा और बिजनेस में लाभ होगा, और अष्टम भाव आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है, वसीयत आदि का होता है। सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, बुध लिखा पढ़ी के कारक है, कुछ सरकार, कुछ वसीयत का प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के वाद विवाद आ रहे थे। मंगल का होना भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बताता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, और बुध का आना, सूर्य का आना, यानी कि अगर कुछ सरकारी कार्य, कोई लीगल कार्य आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अटक रहा था, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो जनवरी के महीने में बहुत आराम से चीज़ें सुलझ सकती हैं। और एक विशेष चीज़ है, ये 3 ग्रह यहाँ पर रहेंगे, सूर्य यहाँ पर रहेंगे महीने के मध्य भाग तक, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि है और गुरु स्वयं अष्टम के स्वामी है, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है, और हाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कई लंबे अरसे से अटके हुए कार्य अगर आप प्रयास करेंगे आपके जनवरी के शुरुआती भाग में ही वो पूर्ण हो जाएंगे। तो बहुत शुभता दिख रही है आपके लिए, लाभ उठाइएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ हर ग्रह अच्छे के साथ बुरा प्रभाव भी देता है। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए कौन से भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है, 12वां और 8वां। 12वां भाव भी कहीं ना कहीं बीमारियों से संबंधित है, अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं क्रॉनिक डिजीज, अचानक से जो डिजीज आती है, बिना सिम्टम्स के कोई डिजीज आती है उसका भाव है, तो इनका एक्टिवेट होना, यानी कि पुराने जो रोग हैं आपको वो तंग करेंगे, और अचानक से अस्पताल का चक्कर, यानी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अपनी सेहत का आपको जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अचानक से सेहत पर नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। केतु का भी प्रभाव क्योंकि लग्न पर है, और केतु मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अनकंडीशनल रोग कारक है, तो ये समय जनवरी का अष्टम भाव के 12वें भाव के एक्टिवेट होने के कारण और केतु के प्रभाव होने के कारण अपनी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस महीने जैसा मैंने कहा एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य का, और सूर्य अष्टम को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ये होगा 15 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन, तभी उसको मकर संक्रांति कहते हैं क्योंकि मकर में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं, तो मकर संक्रांति। तो ये समय भी आपका बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि एक तो यहाँ से सूर्य को अयान बल मिलना शुरू हो जाता है, हर ग्रह के अलग अलग प्रकार के बल हैं, तो सूर्य की बात करते हैं तो अयान बल होता है, जब वो उत्तरायण में होते हैं तो उनका जो बल है वो बढ़ता रहता है, दक्षिणायन में होते हैं तो बल थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उत्तरायण का बल अयान बल मिलेगा। दूसरा केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण स्थान में बैठेंगे, यानी कि राजयोग बन रहा है, और ये कहीं ना कहीं कुछ सरकारी कार्य या प्रॉपर्टी के कुछ कार्य जो आपके अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 4था भाव प्रॉपर्टी का है और सूर्य यहाँ पर बलि हो गए और मकर राशि में है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, मकर राशि किसकी होती है? एडमिनिस्ट्रेशन की। तो कुछ भी आपके प्रशासन से कार्य अटक रहे थे प्रॉपर्टी से संबंधित, उस कार्य में आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हर चीज़ में लेकिन आता है, सूर्य नवम में आते हैं तो बॉसेस से वाद विवाद होते हैं,
तो आपके अपने बॉसेस से वाद विवाद जनवरी के मध्य भाग के बाद हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी है और चौथे से छठे भाव में आएंगे, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा और घर में भी अचानक से वाद विवाद शुरू हो जाएंगे छोटी छोटी बात पर, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? आपके लग्न के स्वामी का राशि परिवर्तन होगा शुक्र महाराज का, कब होगा? 18 जनवरी, और वो सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बुरा है। बुरा क्यों है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, लग्न के स्वामी अगर अष्टम में होते हैं तो जीवन में अनिश्चितता आती है। अधिकतम कुंडलियां आप उठाकर देख लीजिए, जिसके लग्न के स्वामी अष्टम में है उनका जीवन फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा ही होगा, कई ऐसी कुंडलियां हैं मेरे पास जो अचानक सालों, मतलब कि एक साल के अंदर ही जिन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन 6 महीने के अंदर करोड़ों गवा भी दिए। तो अष्टम भाव जो होता है वो अनिश्चितता का होता है। तो जब लग्न के स्वामी अनिश्चितता के स्थान में आएंगे, यानी कि पूरे जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल आ सकता है, थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, शुक्र छठे घर के स्वामी हैं, बहुत बार बता चुका हूँ, 6, 8, 12 इनके स्वामी अगर इन्हीं किसी भावों में है, विपरीत राजयोग बनता है। तो ये विपरीत राजयोग बनाना बुध के साथ युति, मंगल के साथ युति साफ बता रही है कि अचानक से धन प्राप्ति होगी। अटके लीगल कार्य, अटके प्रॉपर्टी के कार्य, अटके घर से संबंधित कोई कार्य, हर चीज़ आपकी पूरी हो सकती है। और इसके साथ ही बुध छठे घर के और पांचवें घर के स्वामी हैं, बुध स्टडीज़ के कारक हैं, शुक्र लग्न के स्वामी हैं, तो जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं रिसर्च बेस्ड, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा जनवरी का। इसके साथ ही क्योंकि बुध और मंगल की युति है और बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो ये दो चीज़ बताती है कि जो विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और क्योंकि मंगल है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा शुभता यहाँ पर दिख रही है। सूर्य की हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ बताना भूल गया कि गुरु से सूर्य का केंद्रादि योग बनेगा। और जब केंद्रादि योग इस तरह से बनता है कि दोनों एक दूसरे से 4-10 में है, वैसे तो अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनता है। ये प्रमोशन के आपके चांसेस अचानक से क्रिएट कर देता है, स्पेशली जो नॉन गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा है, अगला महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे सूर्य 10वें घर में आ जाएगा। लेकिन ये जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आपको प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। बस मैंने कहा कि सूर्य नवम में है तो अपने बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्या बोलेंगे उनको उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे से, आजकल क्या होता है ना कि पहले जैसे नहीं होता कि बॉसेस है जूनियर्स है बहुत एक अच्छा संबंध होता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके जो बॉस है वो आपके बॉस हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें व्यक्ति बोल देता है जो मे बी उनको हर्ट कर जाए या फिर उनके ईगो को हर्ट कर जाए, और जब ईगो को चीज़ हर्ट करती है बहुत प्रॉब्लम होती है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, अगर आपके जीवन में जो पर्सनल संबंध टूटते हैं कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होते हैं उसमें, और फिर उस चीज़ की भरपाई बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसको हम प्रोफेशनल लाइफ में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। शनि, शनि महाराज की बात कैसे भूल सकते हैं, आपके योग, आपके लिए योग कारक है, 10वें घर के स्वामी हैं, धर्म कर्माधिपति योग बनाकर बैठे हैं। धर्म कर्माधिपति योग नवम और 10वें का योग कहीं ना कहीं इन दोनों भावों में, तो धर्म कर्माधिपति योग बहुत विशेष समय है आपके लिए करियर में आगे बढ़ने का, क्योंकि शनि तो खैर यहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक होंगे, लेकिन ये समय होगा जब आपको तेज गति से लाभ मिल सकता है। कारण क्या है कि अभी 4 महीनों बाद गुरु भी लग्न में आने वाले हैं, तो अभी जो प्रयास करेंगे उसका आपको मई के बाद बहुत तेज गति से लाभ मिलेगा। तो करियर के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। राहु तो आपके 11वें घर में है, तो ये तो मानिए कि कहीं ना कहीं आप लकी हैं। अगर आप स्पेशली विदेश से संबंधित काम करते हैं तो ये वो समय है जब आपका जो ग्रोथ है वो कई गुना अचानक से बढ़ सकती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। विवाह के भी योग जैसा मैंने कहा। हाँ, एक चीज़ जो है थोड़ा सा नेगेटिव दिख रही है वो है केतु का पंचम में आना। क्यों नेगेटिव है? ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। ऑलरेडी प्रभाव आ रहा होगा, कई लोगों का ब्रेकअप भी हुआ होगा नवंबर दिसंबर में। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ पर आ गए थे और अभी लंबे अरसे तक रहने वाले हैं, और बुध भी अष्टम में रहेंगे इस महीने जो पंचम के स्वामी हैं, तो जो
रिलेशनशिप में हैं उनके लिए महीना बहुत विशेष नहीं जाने वाला। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस महीने भी बहुत ध्यान देना है। और इसके साथ आपके अपने बच्चों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं और आपकी बच्चों की सेहत भी बिगड़ सकती है। तो ये केतु का नेगेटिव प्रभाव है। लेकिन केतु पंचम में आकर व्यक्ति को उस व्यक्ति की जो संकल्प शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ पर फोकस बहुत लंबे अरसे से करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो अब कर पाएंगे। तो कोई साधना करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, ये महीना कहीं ना कहीं बहुत विशेष आपका दिख रहा है। तो ओवरऑल महीना बहुत शुभ है। जो दो तीन चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपका देखिए 11वां भाव जो है ना वो कर्तरि योग में है और राहु भी यहाँ पर बैठे हैं और राहु वृद्धि के कारक है और ये वृद्धि का स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण है। कर्तरि योग, मैं शुभ कर्तरि पाप कर्तरि नहीं कह रहा, कर्तरि योग जब बनता है तो भाव को बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। कर्तरि कैसे बनता है कि भाव के दोनों ओर कोई ग्रह हो। तो ये 11वां भाव आपका करीबन 4 महीने तक कर्तरि योग में होगा और राहु भी है, यानी कि अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाना चाहते थे तो इस महीने से अच्छा आपको महीना मिलेगा ही नहीं। यहाँ से प्रयास कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने का मौका आ सकता है। और आज के टाइम में अगर आपके मल्टीपल या एटलीस्ट एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए बहुत विशेष समय है। सेहत की बात कर लेते हैं, मैंने शुरू में ही कहा था जिनको लिवर की प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दीजिएगा, जिनको इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में बहुत ध्यान दीजिएगा, जिनको कोई ऑटोइम्यून डिजीज है बहुत ध्यान दीजिएगा, जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज रहती है बहुत ध्यान दीजिएगा, जिनको कोई पुराना रोग था जो बार बार वापस आता है, ये वो महीना है वो रोग वापस आ सकता है। जिनको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और इस महीने भी प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी और इसके साथ ही पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इवन महिलाओं में भी यूट्रस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो इस महीने इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब चलते हैं फरवरी 2024 की तरफ। ये महीना भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत विशेष और बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। कारण क्या है कि इस महीने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े बड़े राशि परिवर्तन होंगे। सबसे पहला राशि परिवर्तन तो बुध का ही हो जाएगा, वो 1 तारीख को ही हो जाएगा। बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे। अब देखिए बुध क्या है, बुध आपके धन स्थान के स्वामी हैं, बुध आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, धन स्थान लक्ष्मी स्थान, बैठे हैं भाग्य के स्थान में, यानी कि धन की वृद्धि होगी, पैसे की वृद्धि होगी। दूसरा, क्योंकि त्रिकोण स्थान का स्वामी एक त्रिकोण स्थान में है तो राजयोग बनेगा और इसके साथ युति हो रही है सूर्य और बुध की, जिसको हम कहते हैं बुध आदित्य योग। और बुध आदित्य योग का अच्छे भाव में बनना बहुत शुभ होता है। आपके आइडियाज़ में वृद्धि होगी, सकारात्मकता में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिलेगा क्योंकि पंचम त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी सूर्य का यहाँ पे बहुत अच्छा मिलन हो रहा है। तो ये बहुत विशेष दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य और बुध की युति पंचम से पंचम में है और क्योंकि केतु का प्रभाव भी है तो जो रिसर्च बेस्ड करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए महीना भी अच्छा होगा। आप कोई फर्दर स्टडी करना चाहते थे उसके लिए भी आपको एक मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं अपने स्टडी के बारे में और जानने के लिए उसको और एनालाइज करने का भी मौका आपको इस महीने मिल सकता है। तो ये बुध आदित्य योग बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर लाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सूर्य अभी भी 14-15 तारीख तक यहीं पर रहेंगे, तो अपने बॉसेस से कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बुध और सूर्य की युति व्यक्ति के कम्युनिकेशन में ज़्यादा एक्साइटमेंट ले आती है और वो भी अगर नवम भाव में हो तो बॉसेस के साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो शायद आपको नहीं बोलनी चाहिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने का जो बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो है मंगल का। क्यों? क्योंकि मंगल उच्च के हो जाएंगे और आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। बहुत विशेष चीज़ है ये। देखिए मंगल उच्च के करीबन 1.5 साल में एक बार होते हैं क्योंकि मंगल करीबन 1.5 महीना लगाते हैं एक राशि को बदलने में और करीबन 1.5 साल बाद वापस आते हैं अपने उच्च की राशि में। तो मंगल का उच्च का होना बहुत विशेष होता है। कारण क्या है, मंगल देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी 3 दृष्टियां हैं और बहुत चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है, तो व्यक्ति का अगर मंगल अच्छा होता है ना तो उसका अगर भाग्य भी साथ ना दे फिर भी वो अपनी संकल्प शक्ति, अपनी कार्य कुशलता से आगे बढ़ता है और यहाँ पे तो आ ही भाग्य स्थान में रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत विशेष चीज़ है। उच्च के हो जाएंगे मंगल, और मंगल क्या है,
मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, मंगल आपके लिए 7वें घर के स्वामी हैं। बहुत विशेष चीज़ है 12वें घर के स्वामी भाग्य स्थान में। विदेश में जो लोग ऑलरेडी हैं, ये मानिए कि ये जो टाइम है 1.5 महीने का, मंगल के कारण आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। और जिनका विदेश का वीज़ा नहीं लग रहा था, विदेश जाने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि 12वें घर के स्वामी आपके मंगल अब उच्च के हो गए हैं और साइमल्टेनियसली राहु भी लाभ स्थान में है, तो विदेश संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए ये सबसे उच्चतम समय है। ये बहुत विशेष है। सप्तम के स्वामी केंद्र के स्वामी त्रिकोण में राजयोग बन रहा है, बिजनेस में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, पति और पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं। अदरवाइज ये मंगल का उच्च का होना बहुत अच्छा प्रभाव देगा। मंगल यहाँ से जो चौथी दृष्टि है 12वें घर पर, सातवीं दृष्टि उनके प्रियतम स्थान पर तीसरे भाव पर, और मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा समय है, साहस पराक्रम बढ़ेगा और विदेश जाने के लिए पुनः क्योंकि प्रभाव है ये भी अच्छा है। और एक और चीज़ देखिए, मंगल की दृष्टि गुरु पर है और ये केंद्रादि योग बना रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। गुरु भाग्य के स्थान, भाग्य के स्वामी हैं और मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो फरवरी से आपका भाग्य एक अलग ही लेवल पर आपका साथ देगा। जब भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति का जीवन एक अलग गति से आगे बढ़ता है, प्रगति एक अलग लेवल पर होती है, तो इस महीने का लाभ अवश्य उठाइएगा। बहुत विशेष महीना आपके लिए दिख रहा है, मंगल के अच्छे स्थान पर उच्च के होने के कारण जीवन में शुभता की बढ़ोतरी अवश्य होगी। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, बल्कि कहिए कि दो राशि परिवर्तन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक 12 को हो रहा है और एक 13 को हो रहा है। 12 तारीख को शुक्र आपके यहाँ पर नवम भाव में आ जाएंगे मंगल के साथ और सूर्य बुध के साथ, लेकिन सूर्य के साथ ज़्यादा देर नहीं रहेंगे क्योंकि 13 तारीख को सूर्य शनि के साथ 10वें घर में चले जाएंगे। दोनों की बात करते हैं। अब शुक्र आपके लिए क्या है, बहुत बार बता चुका हूँ, आपके लग्न के स्वामी हैं। देखिए, अपनी कुंडली में लग्न का स्वामी जानिए, सबसे महत्वपूर्ण स्थान लग्न और लग्न के स्वामी ही होते हैं, तो शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान में आकर बैठ गए और केंद्र के स्वामी के साथ यानी कि मंगल के साथ बैठे, यानी कि भाग्य में और बढ़ोतरी होगी। उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं, यानी कि पराक्रम की भी कमी नहीं होगी, साहस की कमी भी नहीं होगी, एफर्ट्स की कमी भी नहीं होगी, बुध के कारण बुद्धिमत्ता की भी कमी नहीं होगी। तो यकीन मानिए जो योग आपके लिए बन रहा है फरवरी में बहुत विशेष, और क्योंकि भाग्य स्थान में सब कुछ हो रहा है और एक नॉर्मल जीवन और एक सफलतम जीवन में केवल भाग्य का फर्क होता है। मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति सफल हो पाता है? कभी कभी मैं देखता हूँ लोगों को लिखते हुए कि मेहनत सब कुछ होता है, खुद देखिए क्या वो प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर मेहनत ही होता तो आज तो हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता, हो ही नहीं सकता। अगर भाग्य नहीं है आप सफल हो ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आता ही है, तभी व्यक्ति ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है, और ये वो समय है जब ऑर्डिनरी से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। तो फरवरी के महीने का अवश्य लाभ उठाएगा, ये मौके बार बार नहीं मिलते। दूसरी चीज़ बहुत विशेष है, विवाह, कई लोगों को विवाह का बहुत, जिनका विलंब हो रहा होता है उनको हमेशा जानना होता है कब हो सकता है विवाह, तो शुक्र क्या है, लग्न के स्वामी है, मंगल 7वें घर के स्वामी है और शुक्र और मंगल की युति हो जाएगी भाग्य स्थान में। देखिए, शुक्र मंगल की युति अपने आप में विवाह का योग बनाती है, कहीं पे भी हो। कारण है इसका, काल पुरुष की कुंडली में मंगल आपके जो है, यहाँ पे नहीं, काल पुरुष की कुंडली में जहाँ पे मेष से स्टार्ट होता है, तो मंगल आपके लग्न के स्वामी होते हैं पहले भाव के और शुक्र सप्तम के स्वामी होते हैं, इसलिए इन दोनों की युति कहीं ना कहीं विवाह का कारक बन जाती है। और यहाँ पे भाग्य स्थान में हो रहा है, यानी कि आपके लिए विवाह के योग बहुत शुभ, बहुत अच्छे इस टाइम पर, यानी कि बुध शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद 13 फरवरी के बाद बहुत बन रहे हैं, तो इसका लाभ उठाएगा और बिजनेस में पुनः आपको लाभ मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नवम भाव 10वें से 12वां है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ना रहेगा, अचानक से आपके ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं, मतलब कि आप अच्छा खासा कार्य कर रहे होंगे, अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर इवन जिनकी बड़ी कंपनीज है उनका स्थान परिवर्तन भी कार्य के कारण हो सकता है, तो ये थोड़ा सा बच के रहेगा। अब सूर्य की बात करते हैं। अब देखिए, शनि और सूर्य की युति ये अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, क्योंकि आपके लिए शनि 10वें घर के स्वामी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं, सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं, केंद्र त्रिकोण केंद्र इनका राजयोग बन रहा है, शनि कहीं ना कहीं हार्डवर्क दिखाते हैं, सूर्य प्रताप दिखाते हैं, तो प्रमोशन के तो बहुत ही शुभ चांसेस आपके फरवरी में बन जाएंगे। लेकिन जब कुछ ग्रहों की युति अच्छी नहीं मानी जाती,
शनि सूर्य, बुध चंद्रमा, शुक्र बृहस्पति, इनकी युति से क्या होता है ना कि जिस भाव अच्छे संबंध भी अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन इनकी युति से जो भाव होता है उस पर कुछ नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। अब दसवें स्थान में हो रहा है यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा, आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं और कुछ आप लोग आपकी गुडविल को खराब करने का प्रयास करेंगे, तो इस चीज़ पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। दूसरा, ये दोनों ही मिलकर आपके चौथे भाव को देखेंगे यानी कि घर में अचानक से लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो इस चीज़ से आपको अपने आप को पूर्णतः दूर रखना है। अदरवाइज करियर के संबंध में आगे बढ़ने के लिए ये जो महीना होगा आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत विशेष होगा। इस महीने एक और राशि परिवर्तन हो रहा है और वो होगा बुध का। बुध का इस बार, इस महीने दो बार राशि परिवर्तन होगा। बुध आपके नवम भाव को छोड़कर आपके दसवें भाव में प्रवेश कर जाएंगे 20 फरवरी को, और ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है क्योंकि पुनः सूर्य और बुध का यानी कि बुध आदित्य योग बन गया, ये भी बहुत शुभ है। और इसके साथ ही ये सारे ग्रह जब दसवें भाव में हैं और बुध जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में धन बढ़ सकता है। और क्योंकि पंचम के स्वामी हैं जो दसवें से अष्टम है, जो लोग जॉब चेंज का सोच रहे थे, अचानक से कोई बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आपको फरवरी में 20 तारीख के बाद आ सकता है, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत शुभता दिख रही है। ये जो शनि सूर्य की युति है, थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा क्योंकि यहाँ पर लोग जानबूझकर आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे, तो जो लोग बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, वैसे भी जो लोग काम करते हैं, थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने का अवसर आपको इस महीने में अवश्य प्राप्त हो सकता है। एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जो दसवां भाव है आपका, ये पाप कर्तरी में आ जाएगा। कारण क्या है कि एक साइड राहु होंगे, एक साइड मंगल होंगे, तो दसवां भाव पाप कर्तरी में है। अब दसवें भाव के पाप कर्तरी होने को बहुत बुरा नहीं कहा जाता क्योंकि फिर व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, व्यक्ति लेड बैक नहीं रहता, लेकिन पुनः ये उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि लोग आपका नाम खराब करने का प्रयास फरवरी के महीने में बहुत करेंगे, आपको पूर्णतः बच के रहना है। थोड़ा सा ध्यान वैवाहिक जीवन में भी देना है। कारण क्या है, शनि तो देख ही रहे थे सप्तम को, अब शनि पर सूर्य का प्रभाव भी आ गया, तो दोनों ही कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 13 फरवरी के बाद, पति और पत्नी के संबंधों में भी थोड़े से विकार आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अष्टम से बहुत ग्रह निकल जाएंगे, तो धीरे धीरे कर फरवरी में आपकी सेहत थोड़ी ठीक होगी। फिर भी आपको लिवर की प्रॉब्लम से अभी भी बच के रहना है, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, लोअर बॉडी में बहुत पेन रहेगा, सियाटिका की प्रॉब्लम जिनको है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, लोअर बैक में भी बहुत दर्द रहेगा, और इसके साथ ही हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आपको इस महीने यानी कि फरवरी में बहुत तंग कर सकते हैं। मार्च की तरफ, मार्च का महीना भी बहुत विशेष है क्योंकि पुनः कुछ बड़े राशि परिवर्तन होंगे, बल्कि इस महीने तो काफ़ी राशि परिवर्तन हो रहे हैं। जब एक महीने में बहुत सारे राशि परिवर्तन होते हैं, मतलब कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा होती है, ऊर्जा चेंज होती है, अलग अलग भावों में जाते हैं, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन जाते हैं अच्छे और बुरे, यानी कि जो जीवन है वो बहुत तेज़ गति से बदलेगा मार्च 2024 में। जो इस महीने राशि परिवर्तन हो रहा है पहला, बल्कि दो राशि परिवर्तन एक ही दिन पे हो रहे हैं, 7 तारीख को हो रहा है, 7 मार्च को, बुध आपके 11वें स्थान में राहु के साथ आ जाएंगे और शुक्र आपके 7 मार्च को ही आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। शुरुआत शुक्र से करते हैं। शुक्र लग्न के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी 10वें घर में आ रहे हैं और राजयोग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं और केंद्र भाव में है, उनकी युति शनि के साथ है जो योग कारक है, सूर्य के साथ है जो चौथे घर के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं दिग्बली बैठे हैं। ये यकीन मानिए कि जो मार्च का महीना है, प्रमोशन हो, करियर में आगे बढ़ना हो, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ हो, करियर में अपनी एक प्रतिष्ठा बनानी हो सूर्य के कारण, बहुत अच्छा महीना है। शुक्र और शनि की युति आपस में, क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं और दोनों एक दूसरे के लिए योग कारक है। देखिए, आप शुक्र के लग्नों की बात करें 2-7 यानी कि वृषभ और तुला, उनके लिए शनि योग कारक बनते हैं। आप शनि के लग्नों की बात करें यानी कि मकर और कुंभ, उनके लिए शुक्र योग कारक बनते हैं। इसीलिए योग कारक ग्रहों की जब युति 10वें घर में है, तो मार्च का महीना तो आपके करियर में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। बहुत शुभ महीना है करियर के संबंध में। दूसरा,
शुक्र क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, शनि सूर्य के साथ मिलकर चौथे भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपके घर के लोगों की भी वृद्धि होगी, न केवल आपकी बल्कि आपके घर के लोगों की भी वृद्धि होगी। और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन शनि सूर्य हैं, ये ध्यान रखिएगा कि घर में ईगो क्लैशेस बहुत होंगी। तुमने क्या किया है, तुम क्या करते हो, ये सारी चीज़ें, ये मैंने किया है, अहम जो होता है वो इस महीने बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बुध 11वें घर में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे और राहु के साथ। अब यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा बताता आया हूँ कि नीच का ग्रह को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो नीचता किस चीज़ में ला सकता है वो देखना है। बुध बुद्धि के कारक हैं और राहु के साथ बैठे हैं, और ये है क्या, ये इच्छाओं का स्थान है। राहु जो अपने आप में, जिसको हम एक, जब इच्छाओं की बात करते हैं तो आपको एक गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, और बुध नीच के हो जाएंगे। तो जो बुध का राशि मिथुन और राहु की युति है, यहाँ पर अपनी इच्छाओं पर बहुत नियंत्रण रखना, अपने डिज़ायर्स पर, अपनी काम वासना पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी ज़रूरतों पर, अपने डिज़ायर्स पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने डिज़ायर्स ही हैं जो आपको नेगेटिव सिचुएशन में डाल देंगे। तो अपनी इच्छाओं पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं अच्छा है, लेकिन क्योंकि धन स्थान के स्वामी है बुध पंचम, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, वृद्धि के स्थान पर, इनकम के स्थान पर, लाभ के स्थान में राहु के साथ बैठे हैं, तो पैसा तो आपका बढ़ेगा, लेकिन ये इच्छाएं जो है ना वो आपको किसी प्रॉब्लम में डाल सकती है। और यकीन मानिए, हमारी इच्छाएँ ही कहना कि हमें हमेशा प्रॉब्लम्स में डालती हैं। तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा मार्च के महीने में। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा, वो भी कहिए कि सेम एक दिन के अंतराल में ही हो रहा है, 14 तारीख और 15 तारीख को। 14 मार्च को सूर्य आपके 10वें भाव को छोड़ देंगे और आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे, और मंगल भी 15 तारीख को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। मंगल से शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, मंगल आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है, तो शनि और मंगल की युति, सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, 10वें के स्वामी है शनि, रिकग्निशन का महीना है। मैं ये बता रहा हूँ कि मार्च का महीना करियर के लिए आपका बहुत विशेष रहेगा। करियर में ऐसी प्रगति आप कर सकते हैं जो शायद आपको लंबे अरसे तक ये मौका ना मिले। तो अगर आप जॉब करते हैं, ये महीने को जाने मत दीजिएगा। जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी स्किल्स है, उसको रखिएगा, अपने आप को प्रेजेंट कीजिएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। 10वें भाव का एक्टिवेट होना, मंगल का आना, मंगल आपके प्रताप के, स्किल्स के कारक है, 10वें घर के स्वामी के साथ है, लग्न के स्वामी के साथ है, तो ये सब कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये महीना आपका बहुत विशेष है। ध्यान केवल एक चीज़ का रखना है, एक, शनि मंगल की युति गुस्सा बहुत दिलाती है, तो 10वें भाव यानी कि करियर में गुस्सा बहुत रहेगा। आप घर में तो गुस्सा कर लेंगे, लोग सुन लेंगे आपके घर वाले, वही गुस्सा अगर आप करियर में करेंगे ना, अपने कार्यक्षेत्र में, इवन आपके जूनियर्स भी नहीं सुनेंगे, आज का डेट वो है। तो अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। दूसरा, शुक्र हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स करवाते हैं, तो 10वें भाव में स्पेशली है, तो ये महीना भयंकर भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ होने वाली है। स्पेशली अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो यकीन मानिएगा, आपके जो साथ में लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास शुरू कर देंगे, तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना है। लेकिन हाँ, करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। पुनः मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, उनका चौथे भाव पर दृष्टि डालना। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जिस पर आप कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे, ये महीना मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपके लिए विशेष है, आपको वो अवसर अवश्य प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छा महीना है। सूर्य और राहु की युति थोड़ी सी नेगेटिव होती है, कारण ग्रहण दोष बन जाता है। मैं उस ग्रहण की बात नहीं कर रहा जो साल में पढ़ते हैं कि हाँ सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, वो भी प्रभाव होता है, लेकिन ये सिर्फ ग्रहण दोष की बात मैं कर रहा हूँ। तो सूर्य और राहु का यहाँ पे युति होगा, यानी कि एक महीने के लिए सूर्य को राहु खा जाएंगे, इन द सेंस ग्रहण दोष लगा जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, क्योंकि सूर्य इमोशंस के स्वामी हैं, चौथे घर के, माता के स्थान के स्वामी हैं और फैमिली के स्वामी हैं, तो राहु का प्रभाव यानी कि माताजी की सेहत बिगड़ सकती है, घर में अजीब सी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, उच्चाट सा एक महीना रहेगा कि घर में बात करने का ही मन नहीं कर रहा। और सूर्य और राहु का यहाँ पे क्योंकि युति है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपके रिलेटिव्स हैं वही यहाँ पर आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो उनसे बच के रहिएगा। राहु सूर्य की युति कभी कभी व्यक्ति के नाम को खराब करने के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, मतलब कि व्यक्ति का नाम खराब हो सकता है, बैठे बिठाए व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, स्पेशली अगर चौथे घर का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये वो महीना है जब आपके ऊपर
झूठे आरोप आरोपीकरण आपके ऊपर हो सकता है, तो उस चीज से थोड़ा सा बच के रहिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। इस महीने बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा। बुध क्योंकि सामान्यतः ढाई हफ्ते में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो अगर वो नॉर्मल गति पे होते हैं तो बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु के साथ उनकी युति हो जाएगी। ये भी ठीक ठाक है, बुरा नहीं कहूँगा इसको मैं, क्योंकि एक तो नीच की अपनी राशि से निकल जाएंगे और गुरु बुध की जोड़ी कहीं ना कहीं व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बढ़ाती हैं, क्योंकि बुध दूसरे घर के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो बाहर से लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है। और गुरु क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अचानक से अटके हुए आपके लिखा पढ़ी के कार्य, कुछ गवर्नमेंट के कार्य, कुछ आपको परमिशन कहीं से चाहिए थी वो पूरी हो सकती है। और क्योंकि बुध 5वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो जो लोग जो बच्चे विदेश में पढ़ना जाना चाहते थे उनके लिए भी यहाँ पे विशेष योग बन रहा है। तो ओवरऑल कहीं ये महीना आपके लिए बहुत विशेष है। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान इस महीने में दीजिएगा, कारण मंगल और शनि की युति हो गई और ये शनि जो मंगल का प्रभाव लिए हैं वो 7वें घर को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं 15 तारीख के बाद, 15 मार्च के बाद। और ये जो मंगल हैं ये लग्न को भी देखेंगे और मंगल तो गुस्से के कारक हैं और मंगल शनि के साथ युक्त हैं और जब शनि मंगल की युति होती है तो गुस्सा चरम सीमा पर जाता है। तो गुस्सा आपके अंदर 15 मार्च के बाद ऑलरेडी रहेगा और क्योंकि सप्तम भाव भी प्रभावित है और विवाह के कारक शुक्र भी यहाँ पर साथ में है, तो लड़ाई झगड़े की जो इंटेंसिटी है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ जाएगी 15 मार्च के बाद। तो इसका आपको ध्यान देना है। एक बहुत विशेष चीज़ है, जैसे मैंने ग्रहण दोष बताया, इस महीने ग्रहण भी लग रहा है और वो ग्रहण लगेगा 25 मार्च को और वो ग्रहण लगेगा आपके पंचम भाव में, जब चंद्रमा केतु के साथ पंचम भाव में होंगे। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण, साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा का जो ग्रहण होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, मन पर प्रभाव डालता है करीबन एक महीने तक। और क्योंकि पंचम में होंगे चंद्र केतु जब ग्रहण लगेगा, तो आपको ना अपनी पुरानी चीज़ों पर नहीं विचार करना, क्योंकि ये वो महीना है कि महीने के अंत से जैसे ही ग्रहण का प्रभाव रहेगा आप पुरानी चीज़ों को बहुत सोचना शुरू कर देंगे, आपकी नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, आप हर चीज़ के नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव को देखना शुरू कर देंगे और बच्चों से भी संबंध अचानक से बिगड़ सकते हैं। तो आपको अपने थिंकिंग पर, अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत ध्यान देना है महीने के अंत में। पुरानी चीज़ों को नहीं सोचना, ग्लानि की भावना में नहीं जाना और बच्चों से संबंध सुधार के रखिएगा। अगर सेहत की बात करें तो इस महीने भी लिवर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, जिनको लिवर की क्रॉनिक डिजीज़ है ध्यान दीजिएगा। पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, रक्त विकार तंग करेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, जो जिनको रक्तचाप की प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। और हृदय संबंधित प्रॉब्लम जिनको है बहुत ध्यान दीजिएगा, यह महीना अच्छा नहीं है। उपाय की बात कर लेते हैं, बहुत सरलतम उपाय हैं, आपको केवल एक एक बार उपाय करने हैं। पहला उपाय, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूरे शिव परिवार का पहले जल से या गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर पार्वती माता का आपको दूध से अभिषेक करना है और गौरी चालीसा का एक बार पाठ करना है। दूसरा उपाय, आपको एक शुक्रवार को दुर्गा माता को खीर का और हलवे का भोग लगाना है। ध्यान ये देना है कि दोनों में ही केसर का उपयोग आपको करना है, फिर दुर्गा चालीसा का आपको दो बार पाठ करना है। और तीसरा उपाय है कि जब भी आपको आपको बन पड़े, जब भी आपके लिए अवेलेबल हो, आप किसी भी गौशाला में कुछ भी दान कर दीजिएगा महीने के शुरुआती भाग में। ये तीन उपाय कर लेंगे आपके लिए जो आने वाले 3 महीने हैं अधिकतम अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।